इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई कहते हैं, ईएमआई से रेफर करते हैं। अपना माइक ऑफ करो सब लोग। इसलिए सिचुएशन इसको पीछे कर रखा हुआ, इसलिए करंट का नहीं कंडक्टर एंड अराउंड दिस वी हैव मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप इसका नंबर वन है, करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है करंट करिंग कंडक्टर का, मतलब आई से क्या आया आप लोगों को, बी आया, आई से बी आया। इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी बी इज देयर, बी वेक्टर लिख दिया, ठीक है, और इसमें कंडक्टर डाल दिए। अब कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑलरेडी बी इज देयर, उसमें कंडक्टर डाल दिए, इसका रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ करंट। इसका उल्टा अगर सही होगा तो, और नेचर मर्चेस का उल्टा होता है, ठीक है, वी एक्सपेक्ट अ करंट ऑलरेडी बीस देयर, पहले बीस में डाल दी, पहले से कैसे अपने और से लाया मैग्नेटिक फील्ड, मेरे पास बहुत सारा सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का है, उसमें कंडक्टर डाल दिए, वी एक्सपेक्ट अ करंट, ठीक है। माइकल फैराडे इसी लाइन पर सोचे थे, लचीले तरीका डेवलप करना चाहते थे माइकल फैराडे, और इसी लाइन पर सोच रहे थे वो, इस तरह से करंट जनरेट किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है। और उनका पैशन हो गया था, इस पर क्वेश्चन के दिमाग में आया था, आपको पता है माइकल फैराडे का फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, वो बता दें उनका उसको डिग्री भी नहीं थी, आपको पता होगा वो टेंथ बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, वो बुक बाइंडर के यहाँ असिस्ट, बुक बाइंडिंग काम में असिस्ट करते थे, उसी में किताब आता था, उसे पढ़ पढ़ के सीखे थे वो, बाद में फिजिसिस्ट थे, हम्फ्री डेवी का उनको नजर पड़ा था, तो कुछ पता उनको इंटरेक्शन कुछ हुआ होगा या कुछ माइकल फैराडे पूछे होंगे, उनको नजर पड़ा, तो फिर माइकल फैराडे को उन्होंने अपने हिसाब से ट्रेंड किया था। और आपको बता दें आज आपको भी बिजली इतना आसानी से आपको उपलब्ध है ना, ये पूरा क्रेडिट इतना से माइकल फैराडे को जाता है, और कैसे सारा कुछ आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लगता है कि आप रियली कुछ फिजिक्स सीखे, और ये चैप्टर बताएगा फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब आपको इस चैप्टर के बाद फीलिंग आ गई। और बाद में इसका एक ग्लोबल चैप्टर है एसी करके, एसी वर्मा दो पार्ट है, बांट दिया, लेकिन दोनों सिंगल यूनिट बनता है, जब दोनों पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कंसर्निंग करंट इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड। और इस साथ बहुत इंटरेस्टिंग है पहला पॉइंट, दूसरा इस चैप्टर का थियरी बहुत प्लेन एंड सिंपल है, बहुत प्लेन एंड सिंपल है, और इसमें हम जानबूझ के लगातार क्लास दे रहे हैं, 6 क्लास दे रहे हैं, 60 सवाल का टारगेट है, हर दिन 10 10 करेंगे, और आप मेरे साथ चलते रहिएगा, बता दें तो आपको पता चला 6 दिन में पूरा इंडक्शन बहुत अच्छे से निकल गया, आपकी कमांड में आ गया, लेकिन जहाँ से आगे पीछे होइएगा जितना भी आसानी की तरह पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा और आप सीखने की कोशिश करिएगा, से क्लास में ऑफ होता है तुरंत जाके सवाल अटेंड करके रख लिया उसको, जो नहीं बना व्हाट्सएप कर दिया, पहले से बता दे रहे हैं। तो इस माइकल फैराडे को सोचना शुरू किए, इसको सोचना शुरू किया, ठीक है, फाइनली उनको मेथड समझ में आ गया, इसमें क्या कुछ कमी होगी तब ये डिस्कस करेंगे, फिर उन्होंने उसको मैंने उसको उन्होंने ये क्या अपने रिबिल कर लिया, उनको पता चल गया कि इसमें कैसे हम लोग करंट आ सकते हैं, हल्का सा उसमें कुछ चेंज मिल जाना था, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो लिख लीजिए इस पे खाली एक लाइन लिख लीजिए, फैराडे थॉट ऑन दिस लाइन, Faraday thought on this line to generate current and
फाइनली ही गॉट द ब्रेक थ्रू एंड his contribution is so we got ke baad finally he got the breakthrough itna aasan nahi tha finally he got the breakthrough matlab usko unhone reveal kar liya decode kar liya finally he got the breakthrough and his contribution is referred as Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. चलिए तो क्या क्या था आप उसे बताएंगे उसको मिटा रहे हैं नंबर टू रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सिंबल फाइव है दोनों का सिंबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का दोनों का सिंबल फाइव है ठीक है और जैसे हमको पता है जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फाइव लिखेंगे कहीं पता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं फाइव लिखेंगे और जहां पे दोनों फ्लक्स चलाएगा ना वहां पे वैसे डिफरेंशिएट करते हैं फाइव बी और फाइव लिखते हैं जहां दोनों किस केस में दोनों आ रहा है तो दोनों नहीं आ रहा है एक ही आ रहा है तो मान के चलते एक फ्लक्स होगा ठीक है यहाँ को पता मैग्नेटिक फ्लक्स की बात ही कर रहे हैं सिंबल फाइव है और जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे उसी का पैटर्न होगा आपको रिकॉल करवा दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा हम लिख देते हैं बताएंगे रिवाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ में देखिए ना डिफाइन किए हैं ठीक है रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन होता था किसी एरिया के ऊपर अर्थात ई ए कॉस थीटा था जब ई और ए ई कांस्टेंट होगा लाइक वाइज मैग्नेटिक फ्लक्स ये डिफाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एरिया के ऊपर इसका हो जाएगा फार्मूला बी ए कॉस थीटा इसका सीन आप समझ लीजिएगा अब क्योंकि दिक्कत है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइस कर लीजिएगा आपको थीटा पता है थीटा एंगल बिटवीन बी एन ए बी वेक्टर एरिया वेक्टर सब सब पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है ठीक है बी है कॉस थीटा आप चाहते हैं फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ये एरिया हो गया और ऐसे करके बी है और ये इसका एरिया वेक्टर ये बी है और एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है ठीक है और ये एरिया हो गया ये हो गया एरिया एनक्लोज बाय लूप उसका फ्लक्स क्या होगा इसका पाई होगा बी ए कॉस थीटा एरिया ये एरिया हो गया ए वाला शेडिंग जो है ना ऐसे में शेडिंग बना दिया ये एरिया हो गया और अपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए ये हमारा लूप है इस तरह से और ये मान लीजिए आपका ये इधर चौक के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसको ऐसे कर दिए तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा इसका ना इसका नॉर्मल ऐसे हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है जैसे एंगल थीटा हो गया इसका फ्लक्स इस पे कितना फ्लक्स होगा इसका पूरा इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी ए कॉस थीटा आपको पता है जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था उसके पैरेलल टर्म आ रहा है ठीक है डिफरेंशिएशन हो गया थर्ड आइए देखिए How can we change phi? उस phi में कैसे change ला सकते हैं? ठीक है।
मैग्नेटिक फ्लक्स, आई रेफर करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए इसमें तीन टर्म आ रहा, लिखा हुआ आपका बी ए थीटा, आप बी में चेंज ला दीजिए आपका फ्लक्स चेंज कर जाएगा, एरिया में चेंज ला दीजिए फ्लक्स चेंज कर जाएगा, थीटा थीटा क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उसमें चेंज ला दीजिए फ्लक्स आपका आपका फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सिंपल है, पीछे जो हुआ नहीं उसको छोड़िए, आज के काम में स्लैक मत करिएगा। ठीक है, आज से तुम पकड़े रहेगा मेरे को, पैडल होमवर्क करते रहेगा, कभी कभी पकड़े रहेगा आपको, और आराम से अच्छे दिन पूरा चैप्टर बहुत आसानी सीख लीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे होंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। और मैंने कल पिछले क्लास में कहा था आपका अक्सर सवाल मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कंपटीशन में आता है, करंट और इलेक्ट्रोशन इतना नहीं आता है। ठीक है, पाई हैज थ्री टर्म्स, पाई हैज थ्री टर्म्स, पहला क्या है बी, आप जानते हैं बी चली थी जो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा ए एरिया ऑफ लूप, तीसरा थीटा एंगल बिटवीन एंड ए, नीचे लिख लीजिए बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग बी ए एंड थीटा, b comma a comma and theta, we can change flux, we can change phi, we can change phi, ठीक है, हम सब आप फिजिकल सिचुएशन देंगे कैसे b में चेंज कर सकते हैं, कैसे a में कर सकते हैं, कैसे theta में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, four changing phi by changing b, changing phi by changing b, phi में चेंज करेंगे b को चेंज करवा के। ठीक है, इसमें दो तरह से होता है, पहला लिख लीजिए स्पेस वेरिएशन, समझा रहे हैं स्पेस वेरिएशन, ये फाइल है हमारे पास और ये परमानेंट मैग्नेट है, आपको कुछ कुछ आइडिया परमानेंट मैग्नेट का होगा और अभी नहीं बताएंगे कभी काम चल जाएगा, तो आपको पता है परमानेंट मैग्नेट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास। अब क्या करिए, आप इसको फिक्स कर दीजिए और इसको इधर मूव करवाइए, मैग्नेट को मूव करवाइए, मैग्नेट जितना नजदीक आएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, तो अब जनरल समझ ही रहे हैं मैग्नेट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर ले जाएंगे, हमको यहाँ पे देखना मैग्नेटिक फील्ड, इस फाइल में देखना है, जितना नजदीक आएगा उतना आपका क्या होगा बी क्या होगा स्ट्रांग होगा, बी बढ़ेगा और बी बढ़ेगा तो फाई बढ़ जाएगा, तो फाई क्या है, फाई हमारा है बेटा आपका क्लियर नहीं, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फिक्स कर दिया और ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम, इसको इधर भी ले जाए दूर ले जाएंगे तो भी है ना, हमको सिर्फ चेंज से मतलब है, दूर ले जाएंगे तो फाई घटेगा, नजदीक लाएंगे तो फाई बढ़ेगा, उसको फिक्स कर दिया है, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है घटे बढ़ेगा मतलब क्या, चेंज की बात करें चेंज दोनों तरीके का होता है, एक नजदीक ले जाए दूर ले जाए। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, आप इसको फिक्स कर दीजिए और फाई को चेंज ले जाइए, ये फिक्स कर दीजिए फाई को लेके जाइए, फाई इधर जा रहा है आपके पास, नजदीक ले जाए नजदीक तो दोनों ले जा सकते हैं, आप इधर भी ले गए इधर भी ले गए, दोनों लेके चलिए ऐसे गया ऐसे गया, और इसको देखिए स्पेस वाइज वेरिएशन है, ये स्पेस वाइज कर लीजिएगा,
पोजीशन चेंज कर रहे हैं स्पेस में, स्पेस वाइज वेरिएशन है, दोनों मूव कर रहा है, ठीक है, वाइल दोनों, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखे, सब अगर एक समराइज करिए, बाय हैविंग अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देखिए नीचे में यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया ना, नीचे लिख लीजिए, फाई कैन बी चेंज्ड, फाई कैन बी चेंज्ड बाय हैविंग अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। उसको लुक क्या है, कॉइल क्या है, बात बराबर है, बिटवीन कॉइल कॉइल एंड मैग्नेट, ये हो गया स्पेस वाइज वेरिएशन। स्पेस समझ रहे हैं ना, सब पोजिशन अब चेंज कर रहे हैं सबका। इसका सेकंड केस होता है टाइम वाइज वेरिएशन, सेकंड केस होता है टाइम वाइज वेरिएशन। अब ये टाइम वाइज क्या हो गया आप समझिएगा, ठीक है। आप जान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का दो सोर्स है, एक परमानेंट मैग्नेट है, दूसरा करंट का नहीं कंडक्टर है। करंट का नहीं कंडक्टर तो आप पढ़ेगी थोड़ा डिस्कस किया, चैप्टर थोड़ा बनाया थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड, और परमानेंट मैग्नेट आपको हल्का सा थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, जितना पड़ता है जरूरत आपको अगले क्लास में आइडिया दे देंगे, उसी से काम चल जाएगा। आपको जो पता है मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट आप कहीं देखे होंगे, और वहां के चारों मैग्नेट बंद आपको पता है, आपको कुछ आयरन भी सुधर डालिए उसको खींच करके अपने हिसाब से। देखिए टाइम वाइज वेरिएशन, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है कॉइल है, जैसे करंट कंडक्टर जा रहा है कॉइल रख दिया, दोनों फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, स्पेस वाइज कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो करंट है ना, इसको IT कर लीजिए, माने करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट टाइम को कैरी कर रहा है, एंड करंट इज इक्वल टू बेयरिंग फंक्शन थोड़ी ना, करंट इज बेयरिंग विद टाइम, ये फिक्स है, करंट इज बेयरिंग विद टाइम, तो बेयरिंग कर रहा है, ऐसा करंट होता है। इनफैक्ट जब घर में करंट है तो आप एसी करते सीखेंगे आप, वो टाइम सब चेंज करता रहता है, फिक्स नहीं होता है, ऐसा सोर्स हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, ये करंट अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड देगा, देखा ना हम लोग चैप्टर किए हैं, अब ये करंट चेंज कर रहा है, जैसे स्ट्रेट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, मी नॉट आई बाई टू बाई ए होता था लॉन्ग वायर का फील्ड, अब ये आई चेंज कर रहा है, आई चेंज कर रहा है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता रहेगा, कॉइल डाल दी है दोनों फिक्स है, अब आई को चेंज किया, पहले 5 एम्पीयर का 6 एम्पीयर हो गया, तो यहाँ का भी चेंज करेगा ना, छुट्टी में यहाँ पे क्या जाएगा, 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, समझ में आई बात। और हमको चेंज से मतलब हम सिर्फ चेंज करने की बात कर रहे हैं, दोनों फिक्स करके अगर हम आई को चेंज करते रहे तो टाइम वाइज वेरिएशन हो रहा है ना, इसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। देखिए भी तरीका है, और आपको जान करके बता दें हम से अच्छा लगेगा सुन करके, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ना पोल पे या फिर आपके चार्जर में ट्रांसफार्मर होता है वो इसी पे काम करता है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है इसी पे काम करता है, वहां दोनों वहां पे चेंज होना चाहिए आगे बताएंगे, और चेंज कैसे लाते हैं तो टाइम वाइज करके देते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, नीचे लिख लीजिए यहाँ पे बी कर दीजिए, ठीक है। It depends on I. Therefore, B also varies with time. Okay. अभी जब पैकेट बने कीजिए, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, आगे समझाएंगे आपको, इतने इसी पे काम करता है ट्रांसफार्मर। आपको बी का चेंज समझ में आ गया, नेक्स्ट नंबर कौन सा, फोर्थ,
चौथा टॉपिक क्या था? लिंगिंग बीम। ठीक है, फिफ्थ लिख लिया चेंजिंग फ्लक्स बाय चेंजिंग एरिया। ये बी है, ठीक है, वायर ऑफ वायर, ये वायर ऑफ लिख लीजिए इलास्टिक वायर, वायर ऑफ इलास्टिक वायर, ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड वाले जो वायर लेकर चल रहे, कोई सेपा ले रहे हैं, मैग्नेटिक सेपा लेकर चल रहे हैं, अभी शब्द लीजिए इलास्टिक वायर का है। इलास्टिक वायर से आप सेफ्टी फॉर्म करेगा, इसको आप खींच सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो वायर तो रिजिड है ना, लेकिन इसका तो वायर का बनाया है और इसका हमको इलास्टिक वायर है, तो खींच के बड़ा कर दिए, खींच के छोटा कर दिए, छोटा करेंगे एरिया घटेगा, बड़ा करेंगे एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया में चेंज आ जाएगा। तो देख लीजिए, ठीक है, नीचे देख लीजिए, बाई स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग वायर, By stretching or compressing wire, comma, we can change area. We can change area. और सबसे लास्ट है, मतलब तीसरा तरीका है, changing flux by एंजिंग थीटा। थीटा याद रखिएगा, हम लिख नहीं रहे, पहले बता चुके हैं, एंगल बिटवीन बी एंड ए सिक्स हो जाएगा, इसको मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट, आज आप गणित का सारे से बिल्डिंग मिल जा रहा है ना, इसी की वजह से मिल जा रहा है आपको, फिर थोड़ा पढ़ाने का देखिए कितना सिंपल फिजिक्स से फिजिक्स फिजिक्स जनरेट करने का, वो सब हो जाए कितना नुकसानदायक भी है, सुविधा बढ़े और नुकसानदायक भी बहुत ही है, प्राइस आप पे ही कर रहे हो। चेंजिंग फ्लक्स बाय चेंजिंग थीटा, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अब देख लीजिए आप, पहले तो समझ लीजिए, ये कॉइल है हमारे पास, ये कॉइल है और ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, ठीक है, और पीला वाला इसका मैग्नेटिक फील्ड है, चहरा वाला इसका रख लीजिए, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है और अभी एरिया वेक्टर है, आप समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला चैप्टर एसी है ना, उसका बेसिस यहीं से शुरू होता है, ठीक है, हम फिर से बताएंगे आपको और इस चीज को समझ लीजिए, आप पहली बार समझ लेंगे क्योंकि परेशान होता है, अभी क्वाइल ऐसे रखते हैं और इसी मतलब क्वाइल का नॉर्मल कलम दोनों है, हरा वाला आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, लाल वाला एरिया वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन में है, अभी थीटा कितना बन रहा है बोलिए, जीरो बन रहा है, ठीक है, अब हरा वाला फिक्स करके जो कॉइल है उसको इस एक्सिस के बाद रोटेट करिए, एक ऐसा एक्सिस चूज करिए जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, इसको रोटेट करिए, ऐसे रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड आप समझ रहे आपके तरफ है, हम इसको हटा दिए, हरा वाला आपके तरफ है, ऐसे याद रखिएगा, हटा दे रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे मेरे पास, अब इसको रोटेट करेंगे तो इसका चेंज करेगा, ये कॉइल था इस एक्सिस के बाद रोटेट करा, ऐसे रोटेट करेगा ये ना, रोटेट करके ऐसे किए तो ऐसे करके आपको क्या हो गया, ऐसे आपका हो गया ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, और बी ऐसे था आपके पास, दिखाई पड़ गया थीटा बना ना, इसको बिल्कुल ऐसे कर दिए, थीटा कितना बन गया, 90 बन गया, सब लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्वाइल को ऐसे करके ऐसे कर दिया थीटा 90 हो गया, पूरा ऐसे आधा घुमा दिए थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, क्योंकि बी इस साइड में एरिया वेक्टर इधर चला आया, इसको ऐसे लगातार घुमाते रहिए आप, ऐसे लगातार क्वाइल घुमाते रहिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आपका क्या है थीटा चेंज करता जाएगा, थीटा चेंज करता जाएगा, आपका फाई चेंज होता चला जाएगा, ठीक है, इसके आगे आपको बताएंगे फाई के चेंज होने से आपका वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, ये फैराडे का एक कोर्स था, जो अगला इसके बाद का स्टेटमेंट देंगे, और हम लोग जो बिजली जनरेट कर रहे हैं ना इसी तरीके से कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पे, बस वहां पे क्या कर रहे हैं आप जानते भी हैं, क्वाइल घुमा रहे हैं, चाहे जो भी हो, थर्मल पावर प्लांट हो, हाइडल पावर प्लांट, कोई प्लांट हो, बस वहां पे क्वाइल है और क्वाइल को बस चक्कर सिर्फ इतनी आप घुमाते रहिए, चाहे हाथ से घुमाए चाहे कोई तरीके से घुमाइए, हाइडल में क्या होता है आप पानी को डैम बनाकर पानी का लेवल ऊपर लेके वहां से पानी का जेट इस पे डालते हैं, क्वाइल घूमना शुरू हो जाता है, बिजली जनरेट हो गया,
थर्मल में क्या होता है, थोड़ा पानी से उसका स्टीम बना ली है, स्टीम बकेट यहाँ पे डालते हैं, कॉइल घुमा दी आपके पास, विद्युत जनरेट हो गया। तो जनरेटर शादी में हम जो जनरेटर घर पे आता है उसमें क्या होता है, एक काम वहां भी कॉइल ही घूम रहा है, वो काम कौन घुमाता है, डीजल डीजल या पेट्रोल घुमाता है, समझ में आई बात। तो सारा चक्कर सिर्फ क्या है, आप उसको घुमाते रहिए बस, आप घर में छोटा सा डिजाइन कर सकते अपने हिसाब से और घुमाते रहिए, बिजली पैदा होता रहेगा, ठीक है, बिजली पैदा होता रहेगा। इतना सिंपल तरीका माइकल फराडे बताए थे। और आप इसमें हिस्टोरिकल अकाउंट हम क्लास में शेयर करते हैं, जब माइकल फराडे पहली बार उनको जब ये चीज दिखाई पड़ा था कि क्वाइल घुमा के बताए थे या मैग्नेट पास दूर ले जा करके डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, उसमें उनका था कि पूरा सेटिंग किए हुए थे, यहाँ पे क्वाइल था और इसको उन्होंने सेट कर दिया था, वहां से एक अमीटर लगा दिया था, एक्चुअली वो आपका माइक्रो एमीटर था, ठीक है, और यहाँ से मैग्नेट लेकर के आए तो अमीटर में डिफ्लेक्शन हो जा रहा था, डिफ्लेक्शन हो जा रहा था मतलब क्या हो रहा था, करंट आ रहा था, और मैग्नेट नजदीक लेके जा रहे थे तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, दूर लेके जा रहे थे तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, क्योंकि दोनों प्लेस फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज चेंज हो जाता है, आपको बताएंगे, ठीक है। बस उन्होंने इतना डेमो दिया था, वहां का जो भी रॉयल सोसाइटी था इंग्लैंड का उस टाइम का, आपको बात बता रहे हैं 1850 की बात बता रहे, 53 की बात बता रहे, ठीक है। और जब डेमो दिए थे तो बहुत लोगों के दर्शक दीर्घा बहुत था, उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, वो थोड़ा इरिटेट हो गई, बोले कि सिर्फ एक इतना छोटा सा चीज, खाली एक निडिल, मैंने उसमें क्या होता है मीटर का निडिल मिल गया था, ठीक है, बोले सिर्फ इसको दिखाने के लिए हम लोग को बुलाया था, तो बहुत छोटा, इसमें कुछ है ही नहीं है। माइकल फराडे का लाइन था, बाई चांस उस लेडी के कोर्ट में एक बच्चा बैठा था, बोले छोटा बच्चा भी आपके गोद में, आपको नहीं पता है कल लोग क्या करेगा, इसलिए मेरा एक्सपेरिमेंट इसी तरीके का, हम लोग को नहीं पता कल ये क्या करेगा। और आज आपको जो कुछ है, आज आपका लाइफ एवरी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, बता दूं, और सारा एज जनरेट हुआ, अगर माइकल फराडे से खोज नहीं करते तो आप इतनी सुविधा मिलती कि नहीं मिलती आपके पास, बिल्कुल 150-200 साल में देख लीजिए कि आपका मतलब उसका एप्लीकेशन है, समझ में आई बात, मतलब आप पूरा क्रेडिट दीजिए माइकल फराडे को, उन्होंने नेचर से रिवील करके खोज के निकाला, वहां से डिकोड किया जैसे ऐसे बिजली जनरेट होता है। ये तरीका सिंपल है, कमर्शियली यूटिलाइज होता है, आप चीज को सीखी है, मैंने कहा जब चैप्टर खत्म होगा थियरी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको जब चैप्टर खत्म होगा एक फीलिंग आता है हम बहुत कुछ सीख गए। सेकंडली ये चैप्टर का सवाल इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत सवाल आता है इंडक्शन से, करंट उतना नहीं आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक उतना नहीं आता, मैग्नेटिक और इंडक्शन सवाल बहुत आता है। तो चेंजिंग फ्लक्स बाय चेंजिंग थीटा आपको समझ में आ गया, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे करके, ये हो गया, ये अभी है, या अभी इधर ही, इधर ही आपके पास बी है और इधर ही आपका एरिया वेक्टर है, इधर ही एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, और ये इसका एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्वाइल, और ये टी इक्वल टू जीरो पर है, समझिएगा ठीक से, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपनी बात में आप और समझना चाहते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लीजिए सारा करके, और फाइल जो है ना, फाइल आपका वाई जेड प्लेन में है, फाइल इज इन वाई जेड प्लेन, और ये दोनों से ही एक्स एक्सिस होगा, टी इक्वल टू जीरो पर है, और अभी फ्लक्स कितना होगा इसके, इसमें नीचे लिख लीजिएगा बी ए कॉस जीरो, अब क्या है, क्योंकि मेरा लिमिटेशन है, उसका बोर्ड का प्लेन है, तो कैसे कर दीजिए आप, एक और फिगर, और ये हो गया एरिया वेक्टर, और ये पी हो गया, ये रोटेशन हो गया ओमेगा का, समझिएगा ऐसे करके ऐसे हो गया क्वाइल, ठीक है, ऐसे एरिया वेक्टर हो गया, एंगल बन गया, ये टाइम टी इक्वल टू टी पर है, यहाँ से फाइन कितना हो जाएगा, बोलिए बी ए कॉस थीटा इक्वल टू टी हो गया, ऐसे करके हो गया, ऐसे क्वाइल हो गया, दिमाग बिठा लीजिएगा। अब लिखिए एक थीटा चेंज कर टाइम के साथ, अब क्वाइल रोटेट कर रहा है ना, डायग्राम ड्रॉ कर लिए, नीचे लिखिए डायग्राम ड्रॉ कर लिए आप लोग, यस सर, देखिए थीटा इज चेंजिंग विद टाइम, ओके बेटा,
डेटा इज चेंजिंग विद टाइम एंड देयरफॉर फ्लक्स इज चेंजिंग. पढ़े होंगे आपके पास, आपको पढ़ना था जनरेटर, पढ़ना था एक मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल घुमा रहे थे ना, पढ़े थे वहां पे ना, लेकिन आपको फैराडे लॉ नहीं पढ़ना था, आपको समझ नहीं आता था. वहां पे देखिए, वहां पे आपका रेक्टेंगुलर कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहे थे आपके पास, आप सर्कुलर रखते हैं. इसे कमेंट में लिख लीजिए, दिस अरेंजमेंट इज यूज फॉर कमर्शियल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कमर्शियल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चलिए अब आइए नंबर सिक्स वाला. सेवंथ आइए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आप इसमें बस काम जितना जल्दी कर लीजिए, बता दें 6 दिन बस आप करिए, स्पेशल है आपके पास, बार बार कर रहे हो, क्लास ओवर होगा, कोशिश करके क्लास के 2-3 घंटा के अंदर पूरा काम करके बैठ जाइए आप. चैप्टर खत्म होगा तो आपको लगेगा फिर आपको पढ़ने का तरीका ही पकड़ में आ जाएगा. कुछ कुछ आपके साथ पकड़े हैं लेकिन इस बार परफेक्टली पकड़ लीजिए आप. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इस चैप्टर का पूरा जिस्ट है. ठीक है, देखिए वो अपने हिसाब से कंक्लूजन निकालेंगे. देखिए, व्हेनेवर देयर इज ए change in flux linked with a coil. ठीक है, आपको पता है करंट वोल्टेज में बेसिक कौन है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है. जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर क्लोज सर्किट होगा तभी ना करंट आएगा. ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल. ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास था एंड अच्छा हम लोग पीटी को ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ बोले पीटी बोले लगभग सेम ही. आपको बता रहे थे क्लास में लगता है, नहीं पता है करंट नहीं पढ़ाएंगे, जो करंट पढ़ाए आपको पता होगा. तो हम पीटी बोले ईएमएफ बोले, जो लोग करंट नहीं पढ़े आपसे जिनको नहीं पता दोनों सेम मानिएगा. पीटी तो आप जानते हैं दोनों कोई खास फर्क नहीं है, कम से कम इस चैप्टर में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन टेक्निकली टर्म ईएमएफ नहीं आता है तो इसलिए पीटी लिखने में गलती हो जाएगा. तो आप लिखेंगे ईएमएफ, लेकिन अगर आप बोलेंगे सर ईएमएफ आपको नहीं पता है तो आप पीडी से काम चला लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको पता है पता है. ठीक है, लगभग 99% देखिए होता है, हल्का सा फर्क होता है थोड़ा सा. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. फैराडे को पकड़ के आया था, हम फ्लक्स का नाम चेंज डालते हैं कॉइल में, जिस तरीके से डालते हैं बड़ी याद करिए, चेंज है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ऐसा नहीं कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीजिंग फ्लक्स, ऐसा नहीं है, आप व्हेनेवर देयर इज डिक्रीजिंग फ्लक्स आप कुछ भी कर सकते हैं. दोनों केस में एंड ईएमएफ इज इंड्यूसिंग द कॉइल, ये आपका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. देखिए अभी कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके बारे में फैराडे का स्टेटमेंट था, देख लीजिए. The numerical value of induced EMF, tell me the value of induced EMF. Is directly proportional to rate of change of flux. Rate of change of flux. देखिए मैथमेटिकली
इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव डी टी तो आपका रेट हो गया, ठीक है, और हम वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके आए थे, एक कांस्टेंट के भी आता है यहाँ पे, लेकिन आपको बता दें जो मैग्नेटिक फील्ड कैंडिडेट है, मैग्नेटिक फील्ड कैंडिडेट लगातार आपका चेंज करता रहा, पहले कुछ और था, पहले बाद में कुछ और था, बाद में कुछ और था, और फैराड के टाइम में ऐसा ही दिया गया ना कि कांस्टेंट के वन आ गया, ठीक है, सब कांस्टेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था सर आप वहाँ प्रोपोर्शनल लिखा है, यहाँ पे के लिखेगा, अब के लिखेंगे तो वन लिखेंगे, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, लेकिन ऐसे और नहीं लिखा हमें नहीं बताते हैं, सीधे बराबर ही हो जाता है, आपके दिमाग में वर्बली में डाल दिया, ठीक है। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन फैराडे को पता था, ठीक है, लेकिन इस माइनस साइन पे बाद में लेंज एक और साइंटिस्ट लेंज थे, उन्होंने काफी काम किया था, ठीक है। माइनस साइन का जो क्रेडिट दिया जाता है उसको लेंज लॉ बोला जाता है, हालांकि फैराडे को पता था, ठीक है। तो अभी हम पहले कॉम्प्लिकेशन लिख लीजिए, माइनस साइन को लास्ट तक अगले क्लास में जब लेंज लॉ पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। और कुछ सवाल जो है लेंज लॉ का सवाल एनसीईआरटी बुक में है, तो अगले क्लास में आप जब बैठेंगे तो आप एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, उसमें करीब 7-8 सवाल है, बड़ा आसानी से लेंज लॉ समझ में आ जाता है, ठीक है। एससी और को टच नहीं किया है, एससी और एक या दो ही सवाल है, ठीक है, अगले क्लास में बैठिएगा तो आप लेंज लॉ के लिए तो एससी और एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, तो लिख लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए माइनस साइन सोच दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आप इसको समझिएगा, ईएमएफ आपका स्केलर क्वांटिटी है, आपका ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी दो तरह का होता है, कुछ स्केलर क्वांटिटी खाली प्लस में होता है, जैसे मास है, मास नेगेटिव मास में कांसेप्ट नहीं है, ठीक है ना, प्लस में होता है, लेकिन कुछ स्केलर क्वांटिटी आपको प्लस माइनस दोनों होता है, जैसे इसमें क्या है ना, इसकी पोलैरिटी बोलते हैं आपको, ये माइनस प्लस और ये उल्टा हो गया, किनारे में लिख दी था आपको वाली मास में नहीं आ रही, किनारे में लिख दीजिए दो पोलैरिटी होता है, नोटिस में आ रहा है पकड़ लिया तो ठीक है, दो पोलैरिटी होता है, ठीक है, हो रहा है ना, इतना तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस करके, इतना तो आप लोग स्कूल में पढ़े थे 10th क्लास में, तो क्या लिखा था माइनस साइन क्या लिखा है, आ गई आवाज, यस सर, माइनस साइन शोज दैट पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन such a way that it opposes rate of change of flux. Sir, एक बार repeat कीजिए ना. कहाँ से repeat करें बोलो? कहाँ तक लिखी हो? Sir, shows that the polarity. Minus sign shows that polarity of induced EMF. Minus sign shows that polarity of induced EMF is in such a way, इस तरीके से that it opposes that it opposes the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. आई बात समझ में? नीचे कमेंट लिख लो। स्टेटमेंट लिखा स्टेटमेंट इज कॉमनली रेफर्ड एज कॉमनली रेफर्ड एज
लेंजेस लॉ लिखा हुआ है। एक साइंटिस्ट लेंस थे, वो सिर्फ उनका माइनस साइन पे काम किए थे तो उनको मिल जाता क्रेडिट। फैराडे इस बात को बताए थे, इसको अलग से लोग लेंज लॉ बोलते हैं, ठीक है, लेंजेस लॉ। अब देखो इसी पर तुम्हारा कम से कम इस बुक में 25-30 सवाल है, लेकिन उसको हर सवाल में दोस्तों फर्क होगा, तुमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर सेवन देखो, एक मिनट, ठीक है, तो लिख लो। ये कितना हो गया, अगर हम पोलैरिटी की बात नहीं करें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, अच्छे तुमको पता है इसमें फर्क पता है, b बराबर dSidt, क्या है b बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, और ये क्या होता है, एवरेज होता है। इसलिए यहां भी काम करेंगे तो लिख लो, इसे नीचे लिख लो, इसे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF मैग्नीट्यूड, फाइव नंबर की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इस पे डाल दिया और इंस्टेंटेनियस हो गया। देखो इसका नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज EMF मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज EMF ई एवरेज मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, एवरेज क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, फाइव फाइनल मंथ्स फाइव इनिशियल बाय टीएलटी, इसे में लिखना, और फाइव बराबर 5 + 7 + 60 + 7 find e at t equal to 1 second डेली स्टेम है, और ये का ये इस तरह से लिखते हैं, ध्यान रख लेना, इतना घुमा करके पढ़ ली टाइप करो, ये वाला e इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, और सब के बुक में इसको स्मॉल ई से लिखा हुआ है, तो उनको फॉन्ट नहीं मिला होता, कहीं के स्मॉल ई से लिखा है, तो स्मॉल ई मत यूज करना, ठीक है, ये वाला ई यूज करना इंग्लिश के लिए। जिन लोग को ईएफ नहीं पता है समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइव पता है तो ई कितना हो जाएगा, बोलो माइनस टी फाइव एट टी कितना हो जाएगा, 10t + 6 ई, और मॉड लेकर चलोगे तो ठीक है माइनस हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है, इसलिए कल के बोला कि माइनस साइन लेके नहीं ले, ठीक है, तो आप लिख लेना, आपको वहां पर क्यों रास्ता निकाले हुए हैं, आपको फाइव कैलकुलेट नहीं पता है, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए यूनिट ऑफ फाइव, आसानी है, यूनिट ऑफ फाइव, फाइव कितना होता है बोलिए, बी है कॉस थीटा, यूनिट क्या हो जाएगा, देखो यूनिट ऑफ फाइव बराबर डी का हो जाएगा टेस्ला, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और थीटा तो इसका नंबर होता है, उसका यूनिट होता नहीं है, और इसको इकट्ठे बोलते हैं वेबर कहते हैं, वेबर शॉर्ट में लिखते हैं WB,
इसका अंदर स्क्वायर भी करते हैं बेवर कहते हैं रूट ऑफ 5 डायमेंशन ऑफ फाइव निकाल लो डायमेंशन ऑफ फाइव फाइव बराबर खाली बी लेते चलो सब काम चल जाएगा तुमको बी का बताया थे बी का रिलेशन याद कर लो आया था ना क्या था एफ बराबर आई एल पी आया था ना इससे बी का निकाल लो बी बराबर हो जाएगा एफ बाई आई एल एफ का सबको याद रहता है एफ का होता है एन एल टी माइनस टू अगर किसी को बी का याद उसमें पी लिख लो लेकिन हम तो याद रखते हैं हम तो बस बेसिक याद करते हैं एम एल टी माइनस टू आई का आई और एल का एल यानी हो गया एम पी माइनस टू आई माइनस वन ये पी का हो गया यहाँ पुट करेंगे डायमेंशन फाइव हो जाएगा एम पी माइनस टू आई माइनस वन इंटू एल स्क्वायर ऑर्डर सीक्वेंस का होता है पहले एम एल पी माइनस टू आई माइनस वन लेकिन तुमको सवाल मिलेगा मैं भी खाली दिमाग में आइडिया देते हैं सवाल तुरंत ही बना लेना आज का सवाल तो सिंपल है धीरे धीरे इसमें अच्छा सवाल भी है बता दें 60 सवाल में करीब 30-35 बार काफी अच्छे सवाल है आप धीरे धीरे सीक्वेंस से बनाएंगे तो सब बनता चला जाता है आज का सवाल तो रिलेटिवली आसान ही है एक चीज को समझ लो जैसे मान लो ये फ्लक्स इस तरह से कॉइल है मान लो इसका एरिया मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर है जस्ट सपोज करो और मैग्नेटिक फील्ड मान लो 5 टेस्ला है 5 टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट होता है सिर्फ नंबर लेके चल रहा है ठीक है अभी कितना फ्लक्स इसका हो जाएगा 5 वेबर मैग्नेटिक फील्ड और अभी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है इधर एरिया वेक्टर थीटा 0 5 वेबर हो गया ठीक है अब इसको हम 90 से घुमा दिए 90 से घुमा देंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा बी ए कॉस 90 फ्लक्स 0 हो जाएगा ना और मान लो इसको घूमने में मान लो तो समय लगा 2 सेकंड का समय लगा इसको घुमा दिए 90 डिग्री से इसको 2 सेकंड का समय लगा तो एवरेज इनफ कितना इंड्यूस हुआ वर्बली सुन लो सवाल मिलेगा किताब में तब उसको पकड़ना एवरेज इनफ कुछ नोट डाउन नहीं करो प्लीज एवरेज इनफ कितना इंड्यूस किया अभी ऐसे से 90 से क्वाइल घुमाए तो एवरेज इनफ का फॉर्मूला दिए थे कुछ नोट मत करना दिमाग में रखना फिर क्वेश्चन बनाना एवरेज कितना था ई एवरेज ये थे क्या थे तो फॉर्मूला पाई माइनर पाई इनिशियल पाई डेल्टी ये दिए थे तो ये अभी 5 वेबर है इनिशियल और फाइनल 90 डिग्री में 0 हो गया ना तो 5 फाइनल क्या हो गया 0 और ये कितना हो गया 5 और टाइम कितना लगा 2 सेकंड 2.5 वोल्ट आ गया ठीक है अब इसी केस में इसको हम पूरा हाफ घुमा दिए तो हाफ घुमा तो हाफ घुमा दिए सिग्नल ना हाफ घुमाया ना तो अगर इस वाले फ्लक्स को नहीं अगर ये बी ए कॉस थीटा है ये बी ए कॉस 0 है जब घुमा देंगे तो ये बी ए कॉस 180 हो जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा ये ठीक है तो इसके और मान लो उसमें टाइम 4 सेकंड लगा 180 से रोटेट कर रहे हैं पूरे से कर रहे हैं रोटेट कर तो उसके साथ 5 फाइनल क्या हो जाएगा तो 5 फाइनल हो जाएगा -5 अपॉन 4 जब 180 से घुमाएंगे तो इधर का फ्लक्स डायरेक्शन था अभी 0 था तो बी ए कॉस 0 5 90 180 -5 हो गया और देखो ये ऐड हो जाएगा -10 हो जाएगा तो आंसर फिर क्या आ जाएगा ये 2.5 चला आएगा ठीक है और पूरा एक रोटेशन कर दिए एक रोटेशन पूरा कर दिए एवरेज 0 हो जाएगा आई बात समझ में क्योंकि एवरेज कर दिए ना तो जब पूरा एक रोटेशन कर दिए तो 5 फाइनल फाइनल से दोनों सेम हो गया डिफरेंस 0 हो गया वैसे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे इसको बना लेना अच्छे और एक दो सवाल और भी है उसको ट्राई करके देख लेना नहीं मरे हम बता देंगे एक क्वेश्चन में 3 है प्लॉटिंग करके इसको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया बना लेगा नहीं तो फिर हम आप कोशिश करके फिर हम बताएंगे पहले नहीं बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 डायमेंशन पे है जिसको डायमेंशन में पकड़ बना लेना और सारे सवाल को अटेम्प्ट कर लेना कोई सवाल नहीं बनता तो अगला बना लेना जो हम दे रहे हैं लिख लो होमवर्क पेज 306 और समय निकाल के तुरंत ही कर लो एक इसको बना लो मॉडल चैप्टर किसमें हम काम सर के साथ करना है और सीख लो मौका देगा ये क्वेश्चन नंबर
फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10 ठीक है, ये तक हो गया। एक और दो मिनट का रिजल्ट बताई दे रहे हैं, उसको भी सीख लो। तो उसमें तुम्हारा क्वेश्चन 11, 12 भी ले लोगे, लिख लो 11, 12 भी लिख लो, एक छोटा सा रिजल्ट बता दें, वही बन जाएगा 11, 12। 11 सवाल दिए हैं, 11 नहीं 10 सवाल दिए हैं, दो छोड़े हैं, 6 और 8 छोड़े हुए हैं, 10 12 का कौन सा होता है इसको, 9 लिख लो, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन इन द क्वाइल, ये क्वाइल है, इसका रेजिस्टेंस आ रहे है, करंट कितना होगा, करंट होता है डी बाई आर, करंट क्या हो गया 1/r करंट हो गया। अब करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, करंट होता है dQ/dt, dQ/dt 1/r dQ/dt, दोनों dt चला गया तो dQ क्या हो गया लिख लो, टोटल चार्ज फ्लोन, इसका नीचे लिख दीजिएगा, देखिए तो स्मॉल स्टूडेंट का है ना, टोटल चार्ज फ्लोन इसमें डेल क्यू से लिखते हैं, डेल क्यू, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्रीय फ्लक्स अपॉन आर, डेल फाइव बाई आर लिखते हैं, कैसे में लिखते हैं, डेल फाइव बाई आर लिखते हैं, ये दिख गया, या फिर डेल फाइव बाई आर, डेल फाइव बाई आर, आर रेजिस्टेंस, डेल टू, चार्ज फ्लो क्या हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, इसके आपके 11, 12 क्वेश्चन नंबर है, इसको बनाइए आप, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आप पकड़े रखिएगा, मतलब बस मेरा काम जितना जल्दी कर लीजिए तो सीखिएगा, मौका आपके पास 6 दिन में, अगर आप 6 दिन में काम कर ले तो आपको समझ में आएगा पढ़ाई कैसे किया जाता है, और सब लोग कर सकते हैं, जितना पीछे उनको छूट रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर को मतलब है नहीं, पीछे वाला काम आप ये नहीं कर सकते छोड़ दीजिए, पहले आज वाला काम कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग मिलेंगे 9 बजे लगातार क्लास लेंगे, और बृहस्पति भारती के चैप्टर निकाल देना है हमको, कल 9 बजे मिलेंगे, मीटिंग एंड कर रहे हैं।